जरी गई बा का करी चार ठिमारा ही जरी बा वो चार कुल धारे रे जरी गब गाय मारी गई अब का करी नहीं प्यार ऐसे नहीं ना प्यार अब कितना भी पता कितना भी पता। और दीदी जो है सही सही सब बता रहे हैं कितना हमारे सब कुछ जला हुआ है। और जो बहुत बच्चे लोग जो है और सियान जो जितना महिलाएं जितना सब लोग थे सब लोग बुझाने में लगे हुए थे। छोटे छोटे बच्चे जो है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं और अगर मैं पाऊंगी तो आप लोगों को दिखा दूंगी चलते समय का। हम ना गए भाई हम ना देख पाए बुरा निकाले घोड़वाटा होता चौरा निकाले देते नमस्ते दोस्तों उषा एकासा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज ऐसे परिवार लगे आए हैं जो दोस्तों उनके घर आग लग गई है और सारा जो है सामान सब कुछ जल गया है। तो उन्हीं परिवार से आप लोगों से मिलवाएंगे। तो दर्शन छाबरा दोस्तों 10,000 रुपये की मदद किए हैं तो उनके परिवार के लगे हम आए हैं चलिए और उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। तो आग लगी दोस्तों काफ़ी लोग यहाँ पे देखने आते हैं काफ़ी भीड़ रहता है। तो यही दीदी है जो जिसका जला हुआ है घर नहीं था दोस्तों सारा हमारा ही था। तो यही दीदी हैं दोस्तों और इनके सास का भी पूरा मतलब घर जल गया है और इनका भी। और दीदी बताइए काका जला हाँ चारों मड़ई जल गई बात है कुछ नहीं बात है दाना सब जल गया बात है। अब गाय में पानी थी वो भी जल गई। तो गाय दोस्तों जल गई है और सारा अनाज जल गया है सारा कपड़ा उड़ना जल और जो बिस्तर उस्तर होता है सब जल गया है। और गाय मर गई है दोस्तों देखिए इनके लिए पंडित बताया है अलग खाना बनाने के लिए 5 दिन के लिए। तो ये देखिए अलग बना के खा रहे हैं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा दोस्तों सारा जब सब थोड़ा थोड़ा देखिए एक एक किलो सब अनाज लेकर आए हैं शाम खाना बनाने के लिए। एक किलो चावल 1 किलो आटा। तो गाय के लिए दोस्तों देखिए चारा रखी हुई थी ये सब जल गया है। और यहाँ पे देखिए एक मड़ई था ये क्या दिखा यहाँ पे। और देखिए सब अलमारी और ज़्यादा सामान दोस्तों सबसे ज़्यादा सामान यही दिखा। तो दीदी हम रह रहे कहाँ पर रह रहे हम सब यहीं रह रहे दिन में आग लगी थी दिन में दिन में दोस्तों आग लगा हुआ था 1 बजे। और कैसे कैसे बुझाई गई दीदी हमने तो अरे बहुत जोर आग लगी है तब हम उठे तो काफ़ी लोग जोर था बहुत जोर जला था टेक मन जुआत जुआत मजे जल गया है। पानी हाँ दमकला तब आई फोन करा तब दमकला आई लास्ट में दोस्तों बुझा हुआ है। अभी जो क्या क्या सामान बचा है वो भी आप लोग दिखाएंगे इनके सासू मास तो यहाँ पे दोस्तों ओढ़ना कपड़ा जो है रजाई गद्दा सब देखो जला हुआ है रात वो सारा ही देखो यहाँ पे सारे कपड़े थे बिस्तर के पास सब राख बन गया है। तो इनकी सासू माँ भी दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं सब्जी बेचने जाती हैं और पूरा जो है नमस्ते ये भैया जरी गई बा का करी चार ठिमारा ही जरी बा
वो चार कुल धरे रे जरी गब गाय मारी गई अब का करी नहीं त्यार ऐसे नहीं तो दोस्तों दीदी कह रहे हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सारा कुछ पूरा मतलब जितना था इनका गृहस्थी सब जल गया है। और दोस्तों मड़ई ही था, मड़ई में सारा बाजार गए रे भैया सब्जी बेचे, अब पता नहीं कैसे जला कैसे और सब्जी बेच बेच कर दोस्तों अपना घर जो है चलाती थी अपने बच्चों को लेकर, और पैसा कौड़ी जो भी था दोस्तों वही मड़ई में रखती हुई तो वो भी सब कुछ जल गया है, घर पे नहीं थी। और जब मड़ई में दोस्तों आग लगती है तो कोई बुझा नहीं पाता क्योंकि तुरंत सर पर रहता है, जल जाता है। जरी गई बा का करी चाठ मड़ई जरी बा वो चार कुल धरे रे जरी गब गाय मारी गई अब का करी नहीं त्यार ऐसे नहीं यही बता रहे थे दोस्तों बूटा था नहीं रहा था। और ये देखिए आज आज तीन दिन आज हो गया आग लगे और तीन दिन हम देखिए मड़ई रखी है ये ना? हाँ सब मतलब ऐसे ही है दोस्तों, मांग मांग कर देखिए तीन दिन के अंदर एक मड़ई रखी है अंदर भी दिखाएंगे। तो यही बस्ता दोस्तों बता रही है दोस्तों में दीदी लोग सामान तो दीदी दोस्तों देखिए रो रही है क्योंकि अपना बस्ता देकर देखिए इसी में एक एक करके पैसा थोड़ा बहुत जुटी हुई थी दोस्तों है सब्जी बेच बेच कर सारा दिन बैठी रहती है रोड पे सब्जी बेचने में और इसमें कागज पूजा सब खराब हो गया था सब फेंक दिए हैं, ये देखिए पूरा धान। तो गांव वाले दोस्तों काफ़ी मदद किए हैं, देखिए इनका अनाज जो है थोड़ा बहुत बचा लिए हैं, देखिए पूरा राख हो गया है। ये देखिए बहुत ऊपर तक दोस्तों लगा रुक रही थी, पूरा जो पेड़ भी जल गया है। यहाँ पे देखिए पूरा जो है चावल जल गया है, यहीं पे फेंका गया है ये सब पूरा। और देखिए वहाँ पे केवाड़ी जल गई है पूरा, इतना लकड़ी लगा हुआ था, मड़ाई भी सब जल गया है, सब दोबारा लगाने लायक।
यहाँ पे जितना दोस्तों था भैंस वाला चारा था पूरा जल गया है, अब गाय ही नहीं इनके पास, पूरा ही सब जल गया है, तो सब कुछ जल गया दोस्तों, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। बस भगवान की यही होता था कि इंसान सब लोग मतलब किसी को जला नहीं है, बस गाय भर खत्म हुई है। तो दर्शन छाबरा भैया दोस्तों उनके उनका पैसा जो है हमारे पास है, और उन्होंने कहा हुआ था कि जिसको आप समझे उसका उसको भी मदद कर दीजिएगा। तो ये देखिए 4-5 हज़ार दिए दोस्तों, 3 दिन से रो रही हैं, खाना पीना नहीं खा रहे, दोनों आँख में देखिए एकदम सूज गया है आँख। तो इनके दोस्तों मैं 7 हज़ार दे रही हूँ, इनकी गाय ख़त्म हो गई है और इनका पैसा ख़त्म हो गया है, तो इतना रो रही हैं। ले लीजिए 7 हज़ार रुपया, मैं रो मत, सार मेहनत का पैसा रहा तो भगवान धोकर लौटाए हैं। और दीदी दोस्तों 3 बच्चे हैं और इनका जो पूरा कपड़ा ओढ़ना, बच्चों लोग का किताब काफ़ी सब जल गया है, तो 3 हज़ार रुपये मैं दे रही हूँ, दीदी अपने बच्चे कपड़ा ओढ़ना ले लेंगी और उन लोगों की किताब कापी। तो आप सब दीदी अभी बोल दें कि उनके मतलब क्यों मदद ना आई, कैसे आप सकते हैं उनको दे, उनके धन्यवाद बोल दें, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद जैसे भगवान आप जहाँ हमन की मदद करें, सुनकर लड़का बच्चा हूँ सब खुश नहीं, बीमार ना भैया सब कुछ विपद में साथ के मतलब थारा हुई के भगवान समझे। तो दोस्तों दीदी कह रही हैं कि जो हमें मुसीबत में साथ दिया है भगवान करे वो एकदम खुश रहें और उनका परिवार एकदम खुशी रहे, सभी परिवार को। और कोई भी दोस्तों इस समय अगर साथ देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोग कोई भी दोस्तों इनके लोगों परिवार की मदद करना चाहते हैं तो ईसा एक आशा चैनल को जरूर और लोग सपोर्ट करिएगा, मैं इनको उनके घर पहुँचा दूँगी, पैसा जो आएगा आपको। तो दर्शन भैया आपको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छा किया इन परिवार की मदद करने के लिए। और दीदी जो है सही सही सब बता रहे हैं, कितना हमारे सब कुछ जला हुआ है, और जो बहुत बच्चे लोग जो है और सियान जो जितना महिलाएं जितना सब लोग थे सब लोग बुझाने में लगे हुए थे, छोटे छोटे बच्चे जो है थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, और अगर मैं पाऊँगी तो आप लोगों को दिखा दूँगी चलते समय का वीडियो। चल रहे हैं दोस्तों अपने घर, अगर आप लोग मदद करेंगे तो हम दोबारा आएंगे इस परिवार से मिलने।